आज है हमारे इवान का बर्थडे, है ना? इधर देखो, ए इवान। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज है दिवाली का दिन, सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। वैसे यहाँ पे आज वर्किंग डे है और मैंने आपको दिखाया कि हमारा कैसे आज के दिन की शुरुआत हुई, और मोनीश की भी जॉब चल रही है, और बाहर बिल्कुल वेदर इतना मिजरेबल है कि बहुत सन्नाटा है बिल्कुल बाहर, कोई दिवाली जैसा कुछ भी नहीं लग रहा। और मुझे बहुत जेलिस फील हो रही है, इंडिया में सब लोग आज छुट्टी मना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बट हाँ, आपने मेरा अगर प्रीवियस व्लॉग देखा हो तो उसमें मैंने सारी प्रिपरेशन की थी दिवाली के लिए, कुकिंग वगैरह की थी। वो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो वो सब किया, और वी विल ट्राई टू मेक बेस्ट आउट ऑफ द सिचुएशन, जो भी है एंजॉय करेंगे अच्छे से। ऐसे ही होती है इंडिया के बाहर की दिवाली, स्पेशली जर्मनी जैसी कंट्री में जहाँ पे इतने सारे इंडियंस नहीं हैं। और मैंने केक क्यों बनाया था लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, तो वो मैं बताती हूँ कि आज है बहुत ही स्पेशल डे हमारे लिए, क्योंकि आज के दिन ही इवान आया था हमारी लाइफ में लास्ट दिवाली को, और मैं थी हॉस्पिटल में इस टाइम पे। सो आज है, वैसे तिथि के अकॉर्डिंग देखे तो, हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग तो आज है इवान का फर्स्ट बर्थडे। वेट एक मिनट, मैं दिखाती हूँ इवान को। सो आज हमारा बाबू 1 साल का हो गया है ना। और आप लोग कैसे कैसे दिवाली मना रहे हैं, कैसे मनाई आपने, वो सब मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आपको इस ब्लॉग में जो भी अच्छा लगे प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मुझे पता चले कि मैं ब्लॉग्स बना रही हूँ तो आपको उसमें क्या पसंद आ रहा है। और कोई फीडबैक हो तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं मेरे साथ में, मैं उस पर भी वर्कआउट करने की कोशिश करूँगी। सो चलिए, अब आज बहुत सारे काम और भी करने हैं। रात का ब्लॉग तो मैंने 1:30 बजे एंड किया था, मेहंदी लगा रही थी, आपने देखा होगा। सो ये मेरी मेहंदी लग चुकी है अच्छे से, स्टेन आया इसका अच्छा। ओके, सो बहुत सारी चीज़ें करनी है, लेट्स सी आज कैसे मनाते हैं आज की दिवाली। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो। सो आज युवान को भी हम काफ़ी जल्दी ले आए, और तब तक मैंने इंडिया में बात कर ली, सबको विश कर दिया दिवाली का। और अब घर की हालत है बिल्कुल बेकार, बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हो गया है। सो उसकी मैं पहले क्लीनिंग करूँगी, उसके बाद में कुछ दिवाली का क्या करना है वो मुझे समझ में आएगा, और भी काफ़ी चीज़ें करनी है। और तबीयत मेरी बिल्कुल ख़राब हो गई दिवाली के टाइम पे, मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा। कल पूरे दिन मैंने टैबलेट्स ले लेके काम चलाया। हाउएवर आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट। सो चलिए अब सबसे पहले क्लीनिंग स्टार्ट कर लेते हैं। बच्चे मुझे कुछ भी करने नहीं दे रहे हैं, मैं क्लीनिंग करती हूँ और ये फैलाते हैं, है ना? और ये हमारे छोटू महाराज। टिकी, हाँ और ये मैंने गुलाब जामुन तो बना लिए थे, उनके लिए आज चाशनी आज बना रही हूँ। तो ये पानी में शुगर डाल के बॉईल कर रही हूँ, और उसमें मैंने इलायची और केसर भी डाल दिया है, तो फ्लेवर अच्छा सा आ जाएगा बहुत। और जब ये उबल जाएगी अच्छे से, उसके बाद में इसको 2-4 मिनट के लिए रख के साइड में, और फिर मैं सारे गुलाब जामुन ऐड कर रही हूँ अब इसमें, और एटलीस्ट 2 आवर्स के लिए रख देंगे तो सारी चाशनी जो है एब्जॉर्ब हो जाएगी अच्छे से गुलाब जामुन के अंदर तक।
और ये पूजा के लिए मैंने सब मंगवाया था सामान, तो मोनीश ले आए हैं, फ्लावर्स वगैरह आ गए हैं और फ्रूट्स भी मंगवाए थे, तो एप्पल्स वगैरह, ग्रेप्स, बनाना, पोमग्रेनेट, ये मैं 5 तरह के फ्रूट्स रखती हूँ हर बार थाली में, तो वो ले आए हैं मोनीश। ये कल मेरी एक मिठाई रह गई थी बनानी, तो वो बना रही हूँ मिल्क पाउडर से इंस्टेंट वाली, तो इस मिठाई का नाम है एप्पल पेड़ा, तो ये मैंने बना लिया है अच्छे से इसका डो मिल्क पाउडर से और इसमें मिल्क वगैरह ऐड करके, और ये इसके एप्पल शेप दे दिए, लॉन्ग लगा दिया ऊपर, अब बस पेंट करना बाकी है। और मीनवाइल चाय का भी टाइम हो गया है, तो चाय भी चढ़ा दी है बनने के लिए मोनीश के लिए, और अभी बस ये मॉप करना रह गया था क्लीनिंग में, तो वो अभी कर रही हूँ मैं इवान को सुलाने के बाद में। और अभी ये साथ साथ में मेरी जॉन्टी से लड़ाई चल रही है कि वो बार बार नीचे उतरने की जिद कर रहा है, तो उसे मैं बार बार डांट भी रही हूँ थोड़ा थोड़ा कि जब तक नहीं सूख जाए उतरना मत, लेकिन अभी आप देखना वो उतर ही जाएगा। तो अभी प्रसाद के हिसाब से खीर भी बना रही हूँ और साथ में छोले भटूरे की तैयारी भी चल रही है, और ये जॉन्टी को थोड़ा इंटरेस्ट आए हमारे फेस्टिवल्स में, इसलिए उसे भी इन्वॉल्व करके मोनीश थोड़ी सी तैयारी करवा रहे हैं मुझे, कैंडल्स वगैरह अरेंज कर रहे हैं, और साथ में पूजा की भी थोड़ी थोड़ी तैयारी मैंने शुरू कर दी है। तो अब घर पूरा फाइनली साफ हो चुका है देखने लायक हालत में, और मेरी इच्छा थी कि पूजा करने से पहले घर एकदम अच्छे से टाइडी अप हो जाए, क्लीन हो जाए, तो वो हो चुका है। और मैं थक चुकी हूँ काफी, लेकिन हाँ अब पूजा करना बाकी है, तो रेडी होने जा रही हूँ बस, तो रेडी होने के बाद आपसे मिलते हैं। और मैंने भी आजकल ये मुझे एक वीडियो बनाने नहीं देता, जो भी मैं बनाती हूँ बहुत बहुत मुश्किल से बनाती हूँ, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करने का बिल्कुल मत जाना, बहुत एफर्ट डाले हैं। और देखो मैंने ये सब बनाया है, मैंने केक बनाया, खीर, गुलाब जामुन, मठरी, और ये नमकीन, और ये एप्पल पेड़ा, और छोले भटूरे भी बनाएंगे, तो वो भी थोड़ा देर पूजा के बाद। Wish you all.
ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। फाइनली अब मेरे ब्लॉग में एंट्री हुई है मोनीश और युवान की। सो आप सभी को वेरी वेरी हैप्पी दिवाली फ्रॉम जॉन्टी मोंटू गुड्डू एंड रिकी। यस, आप सभी को हमारी तरफ से दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं और आने वाला साल बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी लेकर आए आपकी लाइफ में, हम यही होप करते हैं। चलिए सो अब हम खाना वाना खा लेते हैं। सो एंड जो है वो मैं करूंगी थोड़ी देर में ब्लॉग का। सो चलिए मिलती हूँ आपसे। और ये हमारे इवान जी भी जग गए है ना। क्या खा रहे हो बेटा, क्या खाना है? ग्रेप्स खाने हैं? हाँ खा लो खा लो। तो गाइस डिनर वगैरह हो गया है और रात के बज चुके हैं 11। बहुत थक गई हूँ मैं और छोले भटूरे बनाए थे डिनर में, तो मैंने आपको बताया ही था पहले भी। सो वो खा लिए हैं सबने और अब मैं करूँगी रेस्ट। बट आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो। इस वीडियो में जो भी आपको अच्छा लगा हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आपका कोई फीडबैक कोई सजेशन हो तो वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। सो चलिए मिलते हैं फिर से आपसे एक नए वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्टे सेफ स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।